हेलो दोस्तों, सैमसंग की तरफ से नया अपडेट। फिर से सैमसंग गैलेक्सी जीरो, ये फ़ोन बहुत जल्द लॉन्च हो सकता है। बहुत जल्द तो नहीं, लेकिन 2025 तक जो लीक निकल के आ रहा है, अब तक बोला जा रहा है 2025 के अंदर ये फ़ोन इन फ्यूचर स्मार्टफोन होने वाला है। शायद ये फ़ोन 5G के साथ लॉन्च होगा। तो दोस्तों, चलिए आज ही इसी फ़ोन के बारे में बात करना है। फ़ोन क्या है, फ़ोन का फुल डिटेल्स आप लोगों को मैं आज दे दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्री। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि मैं आगे नया जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले जो डिस्प्ले के बारे में बोलते हैं आप लोगों को। डिस्प्ले जो होगा पाउंचल होल डिस्प्ले होगा, 6.5 इंच QHD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले होगा। गोरिल्ला 6 का प्रोटेक्शन मिलेगा और प्रोसेसर जो होगा वो तो बहुत पावरफुल प्रोसेसर हो सकता है, या स्नैपड्रैगन या एक्जिनो का 9830 प्रोसेसर हो सकता है। रैम जो होगा 10GB प्लस 12GB और स्टोरेज जो होगा 1TB का स्टोरेज होगा। बैटरी जो होगा 4500 mAh का बैटरी होगा। इसमें कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलने वाला है दोस्तों। ये फ़ोन वायरलेस चार्ज को सपोर्ट करेगा। ये इसके बाद यहाँ पे और इसमें ना सी टाइप पोर्ट मिलेगा, ना 3.5 mm जैक, कुछ पोर्ट नहीं मिलने वाला है दोस्तों। जियो का मतलब है इसमें कुछ नहीं होगा, फुल बेजललेस डिस्प्ले होगा। और कैमरा जो होगा 4 सेटअप मिलने वाला है दोस्तों। रियर कैमरा 52 MP प्राइमरी सेंसर, 16 MP अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर, 8 MP जो होगा 8GB सेंसर, 5 MP टेलीफोटो लेंस होने वाला है। फ्रंट में जो कैमरा मिलेगा वो मिलेगा 23 MP फ्रंट सेल्फी कैमरा, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है दोस्तों। और इसमें 0 बटन यानी कुछ बटन कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। और इसमें आप लोग 4K का वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यही तक था इन्फॉर्मेशन दोस्तों। आगे जब भी इस फ़ोन के बारे में नया अपडेट आएगा कि कुछ आएगा, तो तब आप लोगों को अब मेरे चैनल के थ्रू आप लोगों को अपडेट मैं कर दूंगा। तो आप लोगों को नया अपडेट पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आगे।